शहर के कई वार्डों की हालत खस्ता है। शहर के आबकारी रोड पर लोगों ने बुधवार को रोड को आंशिक रूप से जाम कर दिया। मौके पर सूरजपोल चौकी प्रभारी पारस कुमार मय जाप्ते के पहुंचे और लोगों से समझाइश की। इन लोगों ने करीब आधे घंटे तक रोड को आंशिक रूप से जाम रखा। इन लोगों का आरोप था कि यहाँ परिषद ने जो मूत्रालय था वो भी तोड़ दिया और अब लोग खुले में पेशाब करने को मजबूर है। यहाँ इस पेशाब घर के सामने ही भैरव मंदिर भी है और हजारों स्कूली छात्र छात्राओं का यहाँ पर रोड से रोजाना गुजरना होता है। लोगों का आरोप था कि यदि परिषद हम इन्हें सुलभ व्यवस्था नहीं देगी तो फिर खुले में जाना इनकी मजबूरी हो जाती है। यहाँ रोड की समस्या और मूत्रालय नहीं बनाया गया तो ये लोग मजबूर होकर फिर आंदोलन करेंगे। बाद में पुलिस की समझाइश पर इन आक्रोशित लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया। यहाँ ये रोड दो वार्ड पार्षदों के हिस्से में पड़ती है। मौके पर भाजपा पार्षद संजय जैन तो नहीं पहुँचे। इन लोगों का आरोप था कि ये दोनों ही पार्षद इनकी सुनते नहीं है। हालांकि पार्षद अहिर ने आयुक्त को वास्तविक हालात से अवगत कराते हुए ज्ञापन देते समय जरूर मौजूद रहे। हम प्रतापगढ़ के वार्ड नंबर 25 और 26 के बीच की सड़क पर खड़े हैं। ये वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें दो पार्षद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्षद का जुड़ाव रहता है। वार्ड 25 के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, वार्ड 26 के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। दोनों ही वार्डों के लोगों का कहना है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क निर्माण को लेकर इन्होंने कई बार पार्षदों को भी अवगत कराया परंतु पार्षदों ने इनकी कुछ नहीं सुनी। मजबूरन ये लोग आज सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को विवश हुए हैं और इन्होंने सड़क रोक दिए। इनका कहना है कि जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये रोड ऐसे ही जाम रहेगा। दूसरी बार जाए नगर पालिका में कहीं नहीं भाई कटे जाओगे कटे जा कलेक्ट्री में जाए कलेक्ट्री में। तीन स्कूल इस रोड पे, तीन छोटे छोटे बच्चे जाते हैं साइकिलों से, कितनी स्कूल बच्चे निकलती है। आगे फूट रहे क्या नगर पालिका में सबकी? यहाँ सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं इस कॉलोनी में, कोई नहीं सुनता किसी का। कितना ही टाइम हो गया, रोज धूला खा रहे, अस्थमा हो गया। हमने दुकानें बंद कर दी, यहाँ कितना धूला उड़ता आंखों में। मेरी दुकान बंद करके बैठा हूँ मैं, हमें ज्ञान दे रहा हूँ। हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, कलेक्टर क्या होता है? हम राष्ट्रपति के पास चले जाए वो लोग हैं। पकड़ो ना पकड़ो, हो जाएंगे आपके साथ। आपके प्रतिनिधि दो साल हो गए, दो साल हो गए, दस साल हो गए। आपकी चुनिंदा है प्रतिनिधि, साथ ले जाओ। निवेदन कर ये करने से दूसरी पब्लिक को परेशान हो रही ना। हम भी थी चाहते करने, आप जाओ एक बार निवेदन करो उनसे। ये तो गलत निवेदन कर दिया, कल भी खराब है जभी तो इसका काम चालू करने की कार्रवाई यहाँ चालू करती है और जल्दी से जल्दी, मतलब अभी टेंडर हुआ नहीं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी करवा रही है। टेंडर होने के बाद में जिसके भी टेंडर हुआ उससे एक महीने के अंदर काम करवा देंगे पूरा। एक महीने से टेंडर भी टेंडर में प्रोसेस करने में एक महीने का तो टेंडर टाइम ही लग जाता है और फिर ये उसके बाद वो ठेकेदार को जैसे चाहे आपको भी या पांच महीने में दे रही है। मैं तो ये चीज आप चेयरमैन साहब को एक बार आ जाए बता देना एक बार, बाकी मेरी तरफ से मैंने चालू कर दी। ये मेंबर साहब खड़े हैं, इनको भी पता है कि प्रक्रिया चालू है। ये काम तो आपकी तरफ से होगा? नहीं।
हम प्रतापगढ़ नगर परिषद में खड़े हैं। सुबह से यहाँ पर दो वार्ड के लोग आ चुके हैं सड़क की समस्या को लेकर। वार्ड नंबर 7 के लोगों ने करीब 1 घंटे पूर्व नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उन्हें जल्द ही सड़क बन जाएगी। इस खबर के बाद में वार्ड नंबर 25 और 26 के बीच एक सड़क है आबकारी रोड, जिसके वासिंदे लंबे समय से परेशान हैं। और यहाँ देखा जाए तो दोनों ही पार्षद, एक भाजपा का है और एक कांग्रेस का है, उसके बावजूद लोगों की परेशानी का समाधान नहीं हो रहा है। लोगों ने आज रोड जाम कर दिया। रोड जाम करने के बाद कांग्रेस पार्षद आशीष अहिर नगर परिषद पहुंचे हैं और वार्डवासियों के साथ खड़े हैं। हम पार्षद आशीष अहिर से जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से इस मामले को देखते हैं और इनका क्या कहना है। इसको लेकर मैंने पहले भी नगर परिषद आयुक्त और सभापति को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर पहले तो बोला गया कि पाइपलाइन खोद दी गई, पाइपलाइन वाले बनाएंगे। फिर बोला जियो लाइन वालों ने खोद दिया, फिर से BSNL लाइन वालों ने खोद दिया, फिर CCTV केबल वालों ने खोद दिया। हजारों बच्चे इस रोड से निकलते हैं, इस रोड का अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस समस्या का समाधान नहीं होने के कारण जब हमारी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, मैंने हमारे विधायक रामलाल जी मीणा को भी इस रोड के लिए अवगत कराया। उन्होंने आयुक्त से बात करी और इसके तुरंत पहले, मैं आधे घंटे पहले आयुक्त से यही चर्चा कर रहा था इस रोड को लेकर। इन्होंने बोला है हमने एस्टीमेट बना लिया है और कल इसका टेंडर लग जाएगा और 1 महीने में आपकी प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी। 1 महीने बाद काम नहीं शुरू होता है तो आप पुनः हमको आके बोले। अभी आयुक्त साहब ने हमको कहा है, आश्वासन दिया है कि आपका काम 1 महीने के अंदर 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। और मैं भी आश्वस्त हूँ क्योंकि हमारे विधायक साहब ने भी मुझे आश्वस्त किया है कि आपका काम हो जाएगा और 1.5 महीने के अंदर ये काम होगा। मैं जनता को कह रहा हूँ और मैं मेरे विश्वास पे कह रहा हूँ कि 1.5 महीने के अंदर आपका रोड बनकर तैयार होगा। इसी के साथ वार्ड नंबर 7 के लोगों ने नगर परिषद आयुक्त को वार्ड में व्याप्त समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। इस वार्ड के लोगों का कहना है कि यदि इस वार्ड में 15 दिन में रोड नहीं बनी तो जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। इस बारे में जब वार्ड पार्षद उत्सव जैन से बात की गई तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर डामर रोड स्वीकृत हो चुका था, लेकिन वार्ड वासियों के विरोध के चलते यहाँ फिलहाल CC रोड बनाने का प्रस्ताव भेज रखा है, जो शीघ्र ही स्वीकृत हो जाएगा और वार्ड की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। सर काफी टाइम से रोड नहीं बना हुआ है। अच्छा सर, ये भेदभाव की मोरारी एक तरफ वहाँ बनती है, एक तरफ बनती है, रोड काफी टाइम से नहीं बन रहा है सर। वहाँ रोड जी सर, नाली स्पीड ब्रेकर कुछ भी नहीं है और मेन रोड हर काम वहीं से होता है सर। रेलिया हो, सरकारी रेलिया हो, गैर सरकारी, सभी वहीं से होती है सर। किला बदिशा से रोड का तो कर दिया आपने जी, रोड का कर दिया है, नाली का मैं दिखवा लेता हूँ। नाली और स्पीड ब्रेकर सर, जैसे ब्रेकर जब रोड बने आप बता देना, आपके शायद 5-15 दिन में रोड हो जाएगा सारे। सर सर 2 महीने से ही बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 15 दिन बाद नहीं हो तो वापस मेरे पास। इसके बाद टेंडर वगैरह जो प्रोसीजर है हो गए हैं। सर पीछे जैसे रिसोर्ट के पीछे बना है सर रोड, रोड बना और दूसरे दिन ही सर फिर उखड़ गया। वो तो वाटरवर्क्स में जो रोड कटिंग की थी वो बन रहा था, वो भी वापस उसका करेंगे। मैं तो ये इसका बात तो किला परिसर, हाँ पूरा सब किला परिसर अंदर की बात कर रहा हूँ। आप अगर 15-20 दिन में शुरू नहीं हो मेरे पास आ जाना, मैं बात करूंगा, मैं जिला के ठेकेदार से मैं बात करूंगा जी सर। वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं, अपने रोड और नाली स्पीड ब्रेकर की समस्या को लेकर यहाँ पर सभी आए हैं। हम कितने टाइम से पार्षद को अवगत कराया गया लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। और किला परिसर एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी मंदिर, प्रतापगढ़ के सभी मंदिर वहीं पर है और वहीं से प्रतापगढ़ की सरकारी गैर सरकारी सभी रेलियां वहीं से निकलती, उसके बावजूद भी वहाँ रोड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जानकारी में ये आया है कि वहाँ पर एक बार रोड बनाने के लिए कार्रवाई हुई थी पर वहाँ पर आप वार्ड के लोगों ने शायद CC रोड नहीं बनाने दिया, ऐसा कुछ भी हुआ था आपके ध्यान में? CC रोड बनाने के हम सहमत थे पर CC रोड नहीं बनाया, डामरीकरण कर रहे हैं। क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है कि एक तरफ CC बनाया जाता है बीच में छोड़ दिया जाता है, ऐसा भेदभाव क्यों? 5 जगह रोड बनती तो 5 जगह CC बननी चाहिए ना आपके लिए। मतलब ये तो यही कहना चाहते हैं कि 5 रोड एक जैसे बननी चाहिए, 4 जगह CC बनती, 1 जगह ही भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या हम नागरिकता का मांग नहीं, नागरिक नहीं हम? क्या हम उस रोड पर नहीं चलते हैं? मतलब आपका कहना ये है कि दूसरे वार्डों में CC रोड की गई? मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ वार्डों में मतलब डामर किया है, 2 जगह हमारे खुद के वार्ड में CC रोड कही गई, 1 गली में CC रोड बनाया गया और हमारे इधर का पूरा हिस्सा खाली छोड़ दिया गया, ना तो डामर है ना CC है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। क्या व्यक्तिगत विशेष के जहाँ मकान बने हुए हैं उसी मकान को देखते हुए बनाई जाएगी रोड? क्या दूसरे लोग नहीं रहते वहाँ निवासी, उनके रोड के क्या होगा? मतलब अगर बनना है CC तो सबके यहाँ बने और नहीं बनना है तो किसी के नहीं बने। मतलब आप डामर रोड नहीं, हम जब सबके यहाँ CC बन रहा था हमारे यहाँ CC क्यों नहीं? आप ये चाहते हैं कि CC रोड बनना चाहिए? नहीं, देवदाव के एक बात का, जब 4 जगह CC बन रहा है तो 1 जगह और CC बनने में क्या जा रहा है? मतलब आपका विरोध मेन ये है कि डामर नहीं होकर CC होना चाहिए, बनना चाहिए ना परमानेंट।